क्या सामने वाले को बिना कुछ बोले उसकी गलती रियलाइज करवा सकते हैं? क्योंकि यदि उसको बोल के समझाया जाए तो वो और ही गुस्सा करने लग जाते हैं। ऐसे में क्या करें? जरूर है कि जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है और उसके सामने अगर आप थोड़ा भी उस वक्त उसको अच्छी भावना से भी बोलने जाओ तो वो व्यक्ति क्योंकि इतना कमज़ोर है वो स्वीकार नहीं कर पाता है। और उस समय ऐसा होता है कि जैसे आग में घी डाल दिया तो और फ्लेयर अप हो जाता है। तो ऐसे फ्लेयर अप करने के बजाय उस समय आप शांत रहो। और आप सोचते हैं लेकिन वो रियलाइज कैसे करेगा? नहीं, जरूर रियलाइज होगा, उसको भी वक्त दो, स्पेस दो। और इसीलिए जब आप शांत रहते हैं, आप कुछ नहीं कहते हैं उस वक्त, तो थोड़ी देर के बाद वो खुद रियलाइज करेगा अंदर में। आप उसको शुभ भावना का दान जरूर दो और बाबा को यही कहो, बाबा ये आत्मा परवश है, इस आत्मा को शक्ति दो जो महसूस कर सके, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा उसका ये संस्कार तीव्र हो जाए और उसको ही जीवन के अंदर नुकसान हो। ऐसी शुभ भावना के वाइब्रेशंस हमें उसको देने हैं। और जब ऐसे वाइब्रेशंस आप देते जाएंगे तो हर बार जब वो गुस्से में आता है, गलत अपने आप को सिद्ध करने के हिसाब से भी वो बोलता है और आप चुप हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उसको रियलाइज जरूर होता है अंदर। अगर आप बोलने जाएंगे वो जस्टिफिकेशन अपना दे देगा कि नहीं, सिद्ध करने का प्रयत्न करेगा, नहीं मैं ही राइट हूं। इसीलिए ऐसे वक्त पर चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और शुभ भावना रखो उसके प्रति, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस उसके प्रति फैलाओ। तो जैसे ही उसको वो समय और स्पेस मिली, वैसे वैसे वो अंदर में फिर रियलाइज करता है। एक बार नहीं करेगा, दो बार नहीं करेगा, लेकिन जब तीन चार बार होगा फिर उसको रियलाइजेशन होगा कि हर बार मैं बोलता हूं और ये व्यक्ति शांत ही रहता है। और तब व्यक्ति उस शांति वाले पीरियड में वो खुद रियलाइज करेगा और खुद रियलाइज करने के बाद वो आपके पास आएगा जरूर, सॉरी भी करेगा और कहेगा मैं जानता हूं मेरी गलती है, लेकिन उस समय ये नहीं कि मौका देख करके अब उसको रियलाइज करा देना है, नहीं। उस समय परमात्मा हमेशा हमें मुरलियों में कहते हैं, जब कोई आत्मा महसूस कर रही है तो उस समय उसकी विशेषता का रियलाइजेशन दो कि देखो आपके अंदर जो है ना ये बात बहुत अच्छी अच्छी है, ये चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन सब के ऊपर पानी फिर जाता है, तो ये सारी अच्छी क्वालिटीज जो है वो ढक जाती है। तो इसीलिए हम तो हमेशा आपकी यही क्वालिटीज को देख करके आपके प्रति यही शुभ भावना रखते हैं कि आप इन्हीं क्वालिटीज के आधार पर आ गया हो, इसलिए हम फील नहीं करते हैं। लेकिन जरूर है कि आप इन्हीं क्वालिटीज को जितना डेवलप करेंगे और अच्छा होगा आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, तो वो व्यक्ति को अंदर में इतना गदगद हो जाएगा कि देखो मैं अपनी कमजोरी के वश होता रहा, लेकिन ये व्यक्ति ने मेरी जो पॉजिटिव साइड है उसको देखा, तो और भी उसको जो है आपके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा, मान हो जाएगा कि नहीं आप जो कहेंगे जैसे कहेंगे अब मैं वैसे करूंगा। अगर मैं अपनी कमजोरी के वश होता हूं उसी समय आप मुझे कह सकते हैं और मैं बुरा नहीं मानूंगा, ये भी कहेगा, और वो सचमुच धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। आपके संग में उसको भी कुछ अच्छे वाइब्रेशंस ही मिलेंगे, वो अपने आप को भी सशक्त ही महसूस करेगा और इसीलिए वो सदा ही आपके साथ रहना चाहेगा, आपके सानिध्य में रहना चाहेगा, आपसे दूर जाना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए
आवश्यकता है कि रियलाइजेशन कराना है तो उसकी अच्छाइयों का रियलाइजेशन करा लो, किसी की कमजोरी का रियलाइजेशन करा करके हम कोई जंग नहीं जीतते हैं, लेकिन जरूर है कि उसकी अच्छाइयों का रियलाइजेशन करा करके हम जरूर एक जंग जरूर जीत जाएंगे और वो आत्मा भी जीत सकती है, अपने संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती है।